अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो एथीन नेटवर्क की एक नई अपडेट आई है, और अपडेट अगर कहा जाए तो एक अच्छी भी अपडेट है उनके लिए जिनके केवाईसी का इशू आ रहा था, ठीक है। तो उनके लिए सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ है, और इसके अंदर है क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बैक आके ना, सबसे पहले मैं एथीन नेटवर्क ओपन करता हूँ। इसके बाद जब इधर आप आएंगे ना माइनिंग के ऑप्शन पे, तो क्लेम के नीचे आपको नज़र आएगा गेट एन एक्स्ट्रा 300 एक्स्ट्रा परसेंट बूस्टर। मतलब जितने भी आपकी जो रेट चल रहे हैं ना, उससे 300 गुना आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको $3 की फ़ीस लगेगी। $3 का इनका प्रीमियम का पैकेज है, तो आप इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर लेंगे, ठीक है। इनके प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो वो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके सबसे पहले जो बेनिफिट इन्होंने बताया हुआ है कि नो KYC रिक्वायर्ड। जिन लोगों का इशू आ रहा था KYC कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उनका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट ATS टू एथीन गेमिंग, एथीन प्रेडिक्शन, और एथीन गेमिंग के अंदर आप अपने जो है ना ATS जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं ईजिली। एथीन गेमिंग से भी कमा के और इधर ईजिली आप कमा सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीज 300 बूस्टर, मतलब आपकी जो स्पीड है, लेट्स से अगर आपका भी 2 एथीन 1 घंटे के अंदर माइन हो रहे हैं, तो आप उसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 2 4 2 6 मतलब 8, ठीक है। तो 2 वो वाले और 3 से ऊपर ले, मतलब आपके 8 कोइन जो है ATH हैं वो 1 घंटे के अंदर माइन होंगे, ठीक है। और एनी मैनी अदर स्पेशल बेनिफिट्स टू एलिवेट योर एक्सपीरियंस, और आगे जो भी जितने फीचर आएंगे और कुछ जो भी मतलब नई अपडेट्स आएंगी, तो उनमें से आपको स्पेशल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये इनकी है। तो अब बात करते हैं कि ये हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए इस चीज़ की। और उससे पहले अगर आप बाय करना भी चाहते हैं, तो इधर कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन है, अपना मेटा मास्क है उसको आपने कनेक्ट कर लेना है। मेटा मास्क के अंदर आपने $3 से कुछ ज़्यादा डॉलर अंदर रखने हैं, क्योंकि कुछ गैस फीस भी आपकी लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये उन लोगों के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, जिन लोगों के रेफरल ज़्यादा हैं। लेट्स से अगर आपके 100 रेफरल हैं, 200 हैं, तो आपके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि अगर आपका एक देखें ना, अगर आपका एवरी हावर 1 घंटे में मेरे पे 2.53 क्या नाम है रेट है मेरा माइन हो रहा है, और अगर आपका 100 रेफरल होगा तो आपके इधर हो सकते हैं 10 हो 20 हो 20 हो रहे हैं। तो 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मतलब 60 हो जाएंगे। तो 60 मतलब डबल ट्रिपल हो जाएगा आपका माइनिंग रेट। तो ये उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जिनके रेफरल ज़्यादा हैं। तो उन लोगों की इस चीज़ की बाय करने की ज़रूरत है जो बड़े यूट्यूबर हैं, और उसके अलावा जिनका ऑलरेडी क्या नाम है 1 घंटे के अंदर 50 या 100 माइन हो रहा है, या 40-50 माइन हो रहा है, तो वो इस चीज़ को सब्सक्रिप्शन को बाय करके ना वो इस चीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो नॉर्मली जिनके कोई रेफरल नहीं है, जिस तरह से मेरे भी रेफरल जो है इतने ज़्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मुझे 6-7 या 1 घंटे में माइन होंगे। तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा मतलब इतना वो बेस्ट नहीं है, तो मैं इसलिए इस चीज़ को बाय नहीं कर रहा। तो बाकी अगर आप लोगों के रेफरल ज़्यादा हैं तो सिर्फ वही बाय करें, बाकी जो लोग हैं जिनके रेफरल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उनके लिए ये मेरे ख्याल से इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला। तो वो जो है मतलब अपन नॉर्मल रेट पर ही माइन करें, ठीक है। तो अगर मेरी टीम में आप आना चाहते हैं, तो मेरा जो रेफरल कोड है इधर आपको शो हो रहा है, स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, तो मेरे रेफरल टीम में भी आप आ सकते हैं। अगर आपने माइनिंग ऐप अभी तक ज्वाइन नहीं की, प्ले स्टोर पर जाके ईजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद मेरा रेफरल कोड है ये है, तो इसको आप उधर पेस्ट करके मेरी रेफरल टीम में भी आ सकते हैं, ठीक है। और पीछे इन्होंने कन्वर्जन रेट आपको बता देते हैं, अभी ATH मेरे पास 48 पड़े हुए हैं, और इन्होंने एक लाइन कोइन भी अपना किया है, और लाइन कोइन के बारे में इन्होंने अपडेट दी थी कि तकरीबन 1 ATH के बदले 50 लाइन कोइन ऑलमोस्ट ये जो है हमें देंगे, ठीक है। 1 जेम के मतलब सॉरी ATH कह रहा हूँ, 1 जेम के बदले 50 जो है हमें लाइन कोइन ये देंगे, और जो एथीरियम का रेट है वो ऑलमोस्ट 0.2 हमें देंगे, ठीक है, 0.2, ठीक है, ATH हमें देंगे, और 1 जेम के बदले 0.2 या 0.3, पहले 0.3 था लेकिन अभी आई थिंक 0.2 इन्होंने अपडेट दी थी ट्विटर हैंडल के ऊपर अपने, तो वो आप इनकी बाकी डिटेल जो है उधर चेक भी कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का KYC इशू आ रहा था, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि KYC की आपकी किस तरह KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल की जो ब्राइटनेस है
उसको आपने बढ़ा लेना, ठीक है। मोबाइल की ब्राइटनेस को आपने फुल इंक्रीज़ कर लेना, और सूरज की रोशनी पे जाके आपने अपनी जो केवाईसी है उसको कंप्लीट नहीं करना। आपने लाइट जो है अपने कमरे में आ जाना है, लाइट्स को ऑन कर लेना है, और जो नॉर्मल लाइट्स है ना उसकी रोशनी के अंदर आपने मोबाइल की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करना है, और उस जगह पर आपने केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो सूरज की रोशनी में जो एक्सपोजर होते हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं, और फेस को जो है ना अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता इनका जो स्कैनर है, ठीक है। तो इसी वजह से लाइट नॉर्मल लाइट में आ जाएँ या छाँव में आ जाएँ, लेकिन मोबाइल की रोशनी आपकी ब्राइटनेस है वो फुल होनी चाहिए। तो आई होप कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि बोला था अप्रैल जून के अंदर ATH वो लिस्ट होगा किसी भी कॉइन पर। इसकी प्राइस मैंने आपको बताई थी कि हाईएस्ट $1 तक जा सकती है, इससे ऊपर जो मुझे है वो नहीं लगती। 0.7 से लेकर $1 तक इसकी प्राइस रह सकती है अगर ये लिस्ट होता है किसी अच्छी एक्सचेंज पर, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एथीन नेटवर्क है इसको ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी टाइम पड़ा है 2 महीने का, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का। तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं आप, और मेरी टीम में भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।